नमस्कार, आप देख रहे हैं 3N न्यूज। मैं हूं आपके साथ विपुल माहेश्वरी। शुरुआत करेंगे आज दिन भर की 5 बड़ी खबरों। सबसे पहले बात करेंगे देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की। देश में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। देश में कोरोना के 80,000 से नए मामले आज भी सामने हैं, जो कि चिंता जगाते हैं। लेकिन इस बीच देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और देश में लगातार जो आंकड़ा है वो तेजी से बढ़ रहा है। देश में आंकड़े किस तरह के हैं, इस पर ये रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। देश में बीते 24 घंटे में संक्रमण के 80,500 नए केस सामने आ चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 86,061 लोग रिकवर भी हुए हैं। देश में लगातार 11वें दिन रहा जब देश में 90,000 से कम केस आए हैं। ये थोड़ी राहत की बात जरूर है। इससे पहले 19 सितंबर को 92,000 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और इस दौरान भी दो ही बार ऐसा हुआ था जब नए केस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कम हो रही थी। लेकिन देश में अब संक्रमण के 62.23 लाख केस आ चुके हैं और 51.84 लाख मरीज ठीक भी हुए हैं। मंगलवार को 1,178 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की संख्या 97,529 हो चुकी है। देश में लगातार कोरोना का कहर बरकरार दिखाई दे रहा है। मंगलवार को 10,86,678 टेस्ट किए गए और देश में अब तक 7.42 करोड़ टेस्ट लिए जा चुके हैं। देश में हर दिन सबसे ज्यादा करीब 1.50 लाख जांच उत्तर प्रदेश और बिहार में की जा रही है। इस बीच उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का रूटीन टेस्ट में वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है। नायडू की उम्र 71 साल है। हालांकि उनकी पत्नी उषा नायडू की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। फिलहाल सेल्फ आइसोलेशन में उनको रखा गया है। देश में लगातार कोरोना अपना पैर पसार रहा है, लेकिन देश के कई 5 राज्यों में हालात बेहद खराब है। जिन राज्यों में महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी और बिहार भी शामिल है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार कोरोना को लेकर क्या कदम उठाती है। देश में कोरोना के कहर तो बरकरार है, लेकिन इस कहर के बीच अब एक नया खतरा भारत की ओर मंडरा रहा है। वो खतरा है कैट क्यू वायरस। देश में कोरोना अपने पैर तेजी से पसार रहा है, नए मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी चिंता कैट क्यू वायरस की बढ़ती गई है, जो कि अब देश में दस्तक दे सकता है, जिसको लेकर ICMR की ओर से भारत को चेतावनी भी जारी कर दी गई है। लेकिन क्या है ये कैट क्यू वायरस, यह हम आपको बताएंगे। देश में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन इस बीच ICMR की ओर से चेतावनी जारी की गई है। दरअसल दुनिया में कोरोना कहर बनकर मंडरा रहा है, लेकिन इस बीच एक और खतरा मंडराने का खतरा बढ़ गया है, जिसका नाम है कैट क्यू वायरस। और ये चीन में तेजी से फैल रहा है। इस वायरस को लेकर अब ICMR ने चेतावनी जारी कर दिया है। क्या है कैट क्यू वायरस, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये वायरस ऑर्थोपेड जनित विषाणु की श्रेणी में आता है। ये सुअर और क्यूलेक्स मच्छरों में पाया जाता है। फिलहाल वायरस की चीन और वियतनाम में ज्यादा पाया गया है। ICMR का कहना है कि भारत की स्थिति के हिसाब से वायरस यहाँ आसानी से फैल सकता है। कैट क्यू वायरस से शरीर में तेजी से संक्रमण फैल सकता है, जिसकी वजह से तेज बुखार, दिमागी बुखार के साथ ही मेनिनजाइटिस भी हो सकता है। आपको बता दें, भारत के वैज्ञानिक इसको लेकर स्टडी भी कर रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के रिसर्च में पाया गया है कि क्यूलेक्स मच्छरों जैसी प्रजाति भारत में फैल रही है। वैज्ञानिकों ने इस वायरस की प्रतिकृति को समझने के लिए एक स्टडी भी की है। मोलिकुलर और सेरोलॉजिकल जांच के लिए वैज्ञानिकों ने इंसानों, मच्छरों की 3 प्रजातियों, सुअरों के लिए सैंपल का टेस्ट किया है। सैंपल के नतीजों की माने तो रिसर्च में वैज्ञानिकों ने इंसानों में क्यूलेक्स मच्छरों का एक्टिव संक्रमण नहीं पाया। हालांकि 883 मानव सीरम सैंपल में 2 लोगों में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी मिली है। इससे पता चलता है कि ये दोनों लोग कैट क्यू वायरस से पहले संक्रमित हो चुके थे। देखा जाए तो कोरोना के बीच अब एक नया वायरस दस्तक दे सकता है, जिसको लेकर ICMR ने चेतावनी जारी कर दी है। हालांकि अब भारत को कोरोना के साथ ही अब कैट क्यू वायरस को लेकर भी सतर्क होना पड़ेगा। अट्ठाईस साल के बाद अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने को लेकर CBI की विशेष कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। इस फैसले में कोर्ट ने क्या कहा, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे।
6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था। 28 साल के बाद इस केस में सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आया है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, लिहाजा सभी 32 आरोपियों को बरी किया गया है। इस केस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उषा भारती समेत कल्याण सिंह जैसे कई लोग अभियुक्त बनाए गए थे। बुधवार को लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने जज सुरेंद्र कुमार यादव ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी बल्कि अचानक हुई। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि भीड़ ने ढांचा गिराया था, जबकि जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उन्होंने तो ढांचा गिराने से रोकने की कोशिश की थी। आपको बता दें 28 साल पुराने इस केस में जज सुरेंद्र कुमार यादव ने फैसला तो सुनाया है, कोर्ट ने केस में पेश किए गए सबूतों को पर्याप्त नहीं माना है। 2300 पत्रों के फैसले में कोर्ट ने कहा कि ढांचा गिराने में विश्व हिंदू परिषद का कोई रोल नहीं था, बल्कि कुछ असामाजिक तत्वों ने पीछे से पत्थरबाजी की और ढांचा गिराने में कोई शरारती तत्वों का हाथ रहा था। आपको बता दें 32 में से 26 आरोपी बुधवार को लखनऊ कोर्ट पहुंचे, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, सतीश प्रधान और नृत्य गोपाल दास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत की कार्यवाही में शामिल हुए थे और इन तमाम आरोपियों के सामने जज सुरेंद्र कुमार यादव ने अपना फैसला सुनाया है। और इस केस की शुरुआत में 49 अभियुक्त भी बनाए गए थे, जिनमें से 17 की पहले ही मौत हो चुकी है। मरने वालों में अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डामलिया, मोरेश्वर सामे, महंत अवेदनाथ और महामंडलेश्वर जगदीश मुनि महाराज समेत तमाम लोग शामिल थे। ये एक बहुत ही पुराना केस था जिस पर अहम फैसला आया है। इसको लेकर नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि विवाद पर फैसला दे चुका है और अब मंदिर के हक में फैसला आने के बाद अयोध्या में राम मंदिर की नींव भी रखी दी गई है। बिहार में चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन इस बीच खबर यह है कि एनडीए सीटों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। भाजपा और जदयू बराबर सीटों पर चुनाव मैदान में उतर सकती है, लेकिन लोजपा को 36 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर कई चरण की बैठक हुई है और चर्चा के बाद दिल्ली में रणनीति पर मुहर भी लग गई है। मंगलवार शाम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और लोकसभा में जदयू संसदीय दल के नेता राजीव रंजन और उर्फ लल्लन सिंह दिल्ली पहुंचे हैं। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान, बिहार भाजपा संयुक्त संचालक समिति के अध्यक्ष नित्यानंद राय और अन्य नेताओं के बीच मंगलवार को नई दिल्ली में बैठक हुई थी। पहले चरण के चुनाव के लिए गुरुवार से नामांकन शुरू हो जाएगा। ऐसे में सभी दलों पर सीट बंटवारों को लेकर दबाव बढ़ गया है। बुधवार पर सीट को लेकर दबाव बढ़ गया और बुधवार को सीट शेयरिंग पर अपनी रणनीति का ऐलान एनडीए की शुरुआती बढ़त की कोशिश में की गई। हालांकि जो सूत्र बता रहे उसकी माने तो राजग के सूत्रों का कहना है कि भाजपा और जदयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और बड़ा या छोटा भाई नहीं होगा। लोजपा को 36 विधानसभा सीटें और विधान परिषद की 2 सीटें देने पर सहमति भी बन गई है। लोजपा की हालांकि शर्तों की बात करें तो अंतिम समय तक सीट बंटवारे में कम बेसी बदलाव हो सकता है। दरअसल लोजपा की अपनी कुछ शर्तें हैं जिस पर मंगलवार देर रात तक चर्चा भी की गई, लेकिन अब कयास लगने शुरू हो चुके हैं कि लोजपा और एनडीए अब बराबर रूप से सीट पे चुनाव लड़ सकते हैं और जिसका ऐलान जल्द ही हो सकता है। लेकिन इस बीच ना सिर्फ एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर फूट है, बल्कि दूसरी ओर भी कांग्रेस में भी सीट बंटवारे को लेकर उलझन देखी जा सकती है। लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव, कांग्रेस के बीच उठापटक का दौर लगातार जारी है। वहां भी सीटों को लेकर कांग्रेस और तेजस्वी के बीच लगातार मनमुटाव की खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि बिहार में चुनाव के बीच सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में किस तरह का सुलझाव होता है। क्या वाकई में एलजेपी अब एनडीए में साथ रहकर ही गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी या फिर कुछ बिहार की कुछ तस्वीर अलग बनती दिखाई देगी। यौन शोषण के आरोप से घिरे डायरेक्टर अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल पुलिस की ओर से यौन शोषण और दुर्व्यवहार करने के मामले में अनुराग कश्यप को समन जारी किया गया है। उन्हें कल गुरुवार सुबह 11 बजे पुलिस थाने पेश होना होगा, जहां पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। क्या है डायरेक्टर अनुराग कश्यप पे पूरा आरोप, इस रिपोर्ट में देखिए। बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ने यौन शोषण और दुर्व्यवहार के मामले में मुंबई पुलिस ने
डायरेक्टर अनुराग कश्यप को समन जारी किया है। अनुराग कश्यप को कल यानी कि गुरुवार सुबह 11 बजे बुलाया गया है। एक्ट्रेस पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर कथित तौर पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस ने उन्हें फिल्ममेकर को कल सुबह यानी 11 बजे वर्सोवा पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके लिए मुंबई पुलिस ने अनुराग को समन भी जारी किया है। बता दें, एक दिन पहले पायल केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर आए थे। पायल ने राज्यपाल से भी न्याय की गुहार लगाई थी। पायल के समर्थन में धरने पर बैठने का विचार इससे पहले रामदास अठावले ने पायल का साथ देने का वादा किया और उनके समर्थन में धरना तक देने की बात कही थी। अठावले ने कहा था कि मुंबई पुलिस अनुराग कश्यप को गिरफ्तार करे, नहीं तो हम जल्द धरने पर बैठेंगे। मंत्री का समर्थन मिलने पर अभिनेत्री ने उन्हें सोशल मीडिया पर धन्यवाद किया है। अभिनेत्री ने पिछले हफ्ते फिल्ममेकर अनुराग कश्यप के खिलाफ वर्सोवा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में कश्यप के खिलाफ आरोप में दुष्कर्म, गलत इरादे से रोकने और महिला का अपमान करना शामिल है। आरोप है कि 2014 में उनके साथ यौन शोषण का प्रयास किया गया। हालांकि अनुराग ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। एफआईआर के आरोप के खिलाफ दुष्कर्म व गलत बर्ताव व गलत इरादे से रोकना और महिला का अपमान करने पर आईपीसी के तहत कई धाराओं में मुकदमे दर्ज किया गया है। फिलहाल अनुराग कश्यप को कल यानी सुबह 11 बजे पुलिस स्टेशन में पेश होना होगा।